हेलो दोस्तों, मम्मी का, पापा का, दादा का, बाबा का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करवाने आता है मास्क वाला मास्टर। और आपके लिए आज एक नई जानकारी लेकर के आया है, पेपर से निकाल कर खंगाल कर आपको बताने कि यूपी बोर्ड ने किन किन विद्यालयों को दीवार में ला दिया है। दीवार मतलब वहां पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। और अगर आपको जानने की उत्सुकता है कि क्या आपका स्कूल सेंटर बना है कि नहीं बना है, तो आपको वीडियो में बने रहना है अंत तक। और आपको मुझे बताना यह भी है कि जो बोर्ड है ना, वो अपना लास्ट वाला जो सूची केंद्र का है वो भी जारी किस डेट में करेगा, यह भी आपको बताने आया हूं। तो इत्मीनान से वीडियो को देखिए। और हाँ, इसलिए देखिए क्योंकि ऐसे विद्यालय जो मतलब कि नकल करवाते हैं या किसी कारणवश दीवार हो गए हैं, एक खुशखबरी होती है उन बच्चों के लिए जिनको यह लगता है कि मैं साल भर पढ़ा, मेरा मतलब कि मैं मेहनत किया। और जो मतलब एक बच्चा ऐसा जो पैसे देकर पास हो जा रहा है या नंबर पा जा रहा है, तो जो अच्छा बच्चा साल भर पढ़ा है ना, उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है ना। तो इनको दीवार करना आवश्यक भी है और नकल विहीन परीक्षा होनी भी चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और जो आपके स्कूल आप लोग है ना, वो क्या करते हैं, अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं आपके लिए। लेकिन हाँ, दीवार उन्हीं को करा जाता है जो गलत होते हैं। अगर गलत नहीं होते दीवार क्यों किया जाता, तो उसी को जानना है। चलते हैं, शुरू करते हैं लेकर के जानकारी को आपको बताने के लिए। यहाँ पेपर वाली कटिंग है मैंने यहाँ पे लगा दी है, यहाँ छोटा मोटा लिखा है। पढ़ने मजा खुद से नहीं आता यार, मैं बताऊंगा और आपको सुनने में अच्छा लगेगा और मन ही मन आप प्रसन्न होंगे। और हाँ, मन से पढ़ें, लगन से पढ़ें, बोर्ड टाप करें। अगर कोई दिक्कत किसी भी विषय में आपको आ रही है दसवीं या बारहवीं में, बताने के लिए मास्क वाला मास्टर है और हर वीडियो को बढ़िया से बढ़िया बनाता है और आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आप भी सपोर्ट करें मास्क वाले मास्टर का और जुड़ें, ताकि हमको भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। तो लेके चलते हैं आपको आगे मित्रों। तो यहां लिखा है साफ साफ, यूपी बोर्ड 11 कॉलेज दीवार नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। यानी 11 कॉलेज दीवार हुए हैं जो परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। आपको लग रहा होगा पूरी यूपी में इतना स्कूल खाली, 11 दीवार हुआ है, 11 केवल गोरखपुर का है। आगे वाला मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां देखो भाई, 4 विद्यालयों पर आजीवन प्रतिबंध लग गया है। 4 विद्यालय ऐसे है ना जो केंद्र कभी जीवन में नहीं बन पाएंगे, क्या गलती करे आगे मिलेगा अभी आपको। और 6 जो विद्यालय ऐसे हैं जो 2028 आने की 3 सालों के लिए, 28 मतलब कि 5 साल के लिए दीवार घोषित कर दिए गए हैं और अगले 5 साल वो परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। 28 के बाद सब कुछ बढ़िया रहा तो बनाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड ने दीवार विद्यालयों की सूची की जारी की है, इन्हें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। दीवार की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ही पूरा इन्हें केंद्र बनाया जाएगा। जो दीवार के बाद जो कार्यवाही होती है, कितने साल इनको मतलब कि दीवार करना है, उसके बाद अगर वो बहाल हो जाते हैं तो केंद्र बनाया जाएगा। या तो अब जो जिस नाते दीवार किए गए हैं उनके मतलब कि उसके विरोध में अपने कुछ पक्ष स्कूल वाले रखेंगे तो निश्चित ही कुछ हो सकता है। लेकिन यह बात कौन कहा है, डॉक्टर अमरकांत सिंह जो कि DIOS है गोरखपुर के, है ना जी। तो मालूम चलना चाहिए आपको कौन कौन से कॉलेज दीवार वाली कैटेगरी में आ गए हैं। तो यहां देखते हैं बेटा, गोरखपुर यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में दीवार विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। जिले में दीवार विद्यालयों की संख्या 11 है, इनमें से 4 विद्यालय आजीवन और 1 3 वर्ष व 6 विद्यालय, एक विद्यालय ऐसा जो 3 साल के लिए दीवार किया गया है, और 6 विद्यालय 2028 तक केंद्र नहीं बनेंगे। बोर्ड ने जिन विद्यालयों को दीवार घोषित किया है उनमें परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने पर उनमें परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने पर 1 व प्राइवेट फार्म भरवाने के मामले 6। प्राइवेट फार्म मतलब क्या कि मतलब रेगुलर बच्चे नहीं है, फिर भी आप नाम लिखे जा रहे हो, बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है। इस टाइप के जो विद्यालय है 6 विद्यालय को इस नाते दीवार कर दिया गया। आगे कह रहा है, लेखपाल परीक्षा में गड़बड़ी करने के 3, यानी कि लेखपाल के परीक्षा का सेंटर आया हुआ था वहां पे गड़बड़ी कर दी, 3 विद्यालय इसलिए दीवार हो गए बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है, तथा 1 विद्यालय पिछले साल परीक्षा के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रबंधक द्वारा पैसा मामले के दोषी है। 11 कॉलेज का अपना अपना देख सकते हो क्या क्या है, कोई परीक्षा सही से नहीं करवा रहा है, कोई प्राइवेट फार्म भरवा रहा है, बच्चा रेगुलर है ही नहीं, और कहीं पर लेखपाल की परीक्षा गड़बड़ हो रही है और
कहीं पे पैसे लेन देन की बात हो रही है और जहाँ पैसा उल्टा पुल्टा चलेगा भाई वहां तो नुकसान तो होना होना है ना जी। अब आपको लेके चलते मित्रों आगे वाले पेज पर। अगला वाला है सूची में डिबार विद्यालयों में कौन कौन है। अब विद्यालयों का नाम भी आप जान लो, हालांकि ये पेपर का कटिंग ही है, मैंने कहीं किसी का नाम वगैरह मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है वो कौन कौन है। सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज गोरखपुर है, मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज है जामिया नगर रसूलपुर, मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल नथमलपुर और भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजावाड़ी, आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज ककरही और पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज पिपराइच और श्याम कृष्ण इंटर कॉलेज थवई पार, डॉक्टर श्याम प्रसाद इंटर कॉलेज लुहसी और श्री कृष्ण कृषि उद्योग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया पार और योगी पंडित राम मूर्ति और यहाँ पे नहीं है मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे रामपुर पड़ाव और रामचंद्र पांडे इंटर कॉलेज नवली गोला शामिल है। इतने 11 कॉलेज आपके सामने हैं, इनको डिबार किया गया है और किसके लिए आजीवन है, किसके लिए 5 साल वाला है, 3 साल वाला है, ये डाटा नहीं है। आगे है बच्चों, आगे वाले पेज पे आते हैं मित्रों, क्या कह रहा है 10 से। और देखो भाई कब यानी कि लास्ट वाला सूची केंद्र वाला बनेगा। और आपको बता दूं ना क्या है, कुछ स्कूलों ने सेंटर इस बार लिया ही नहीं है, कुछ स्कूलों ने मतलब कि बोर्ड की मगजमारी के नाते सेंटर लिया ही नहीं है, हालांकि उनको लेना चाहिए था। अगर नहीं लेते हैं तो मतलब कि बच्चियों का दिक्कत होता है ना, अगर आपके स्कूल की बच्चियां हैं तो निश्चित तौर पर उनको आराम मिलना चाहिए। अगर आपके यहाँ सेंटर बनता है तो थोड़ा मोड़ा मगजमारी तो भाई झेलना ही पड़ेगा, स्कूल चला रहे हो बच्चियां अगर सेंटर जाएगा यार तो दिक्कत बात है ना। तो कुछ स्कूल ने लिया नहीं है और कुछ के पास तो अभी भी नहीं किया है, लेकिन लेना चाहिए सबको इसको, क्योंकि उनके स्कूल की बच्चियों का फायदा होता ना, उनको दौड़ भाग नहीं करना पड़ता। यहाँ पे क्या लिखा है 10 से 15 दिसंबर के बीच यूपी बोर्ड जारी करेगा परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। और यहाँ से न्यूज है प्रयागराज का यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड नकल विहीन परीक्षा के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। 10 से 15 दिसंबर तक बोर्ड पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर देगा। इस बार जिलेवार रिपोर्ट के अनुसार कुल 7,864 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं। 2023 की तुलना में बने केंद्रों से यह संख्या 889 कम है। आगे इस सूची में 2023 में डिबार किए गए केंद्रों को की भी जांच की जा रही है, जिनको 23 में डिबार किया गया था उन केंद्रों की जांच की जा रही है ताकि सूची फाइनल की जा सके। उधर परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के लिए सुविधाओं और व्यवस्थाओं की नियमावली जारी कर दी गई है और साथ ही केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रांग रूम को दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए। स्ट्रांग रूम क्या होता है, जहाँ पे पेपर एक दिन पहले आता है, एक हफ्ते पहले आता है, अब तो मतलब एक हफ्ते पहले पेपर आके रखा जाता है। स्ट्रांग रूम में क्या होता है, दो अलमारी रखी होती है और वहाँ पेपर रखा होता है, उनकी होती है दो चाबियां होती है, एक लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब आते हैं वो लेते हैं और एक मतलब कि किसी जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है सरकारी विद्यालय है वहां से कोई प्रिंसिपल साहब आएंगे उनके पास एक होता है, यानी कि दो चाबियां स्ट्रांग रूम की होती हैं, दोनों लोग रखे रहेंगे अपना अपना और जब दोनों साथ आएंगे तभी खुलेगा। और जब पेपर निकल जाता है ना उसके बाद से ताला लगता है, ताले के ऊपर लगता है लाख का मोहर लगता है ताकि कोई खोल ना पाए, खोल देगा तो पता चल जाएगा, कैमरे की निगरानी सारा काम होता है। और यहाँ पे क्या है, केंद्रों के निर्धारण के लिए गठित टीम वहां जा कर प्राथमिक सुविधाओं की जांच करेगी। जो भी मतलब कि आप तैयार कर रहे हो, जो केंद्र के निर्धारण वाली टीम रहेगी ना वो स्कूल पर जाएगी, जांच करेगी, जब सब कुछ दुरुस्त पाया जाएगा तो बन जाएगा और नहीं पाया जाएगा तो सुधार करने को बोला जाएगा। अगला विद्यालय सुधार कर लेगा तो केंद्र वाली सोचे उसका नाम पड़ जाएगा। हाँ, सुधार वाली प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ 10 से 15 के अंदर लास्ट वाला सेंटर का सूची जारी हो जाएगा, यानी कि आज आपका 3 हो ही है तो मतलब आपका 10 दिन और है मान लो। आगे है क्या मित्रों, देखते हैं आगे लिखा हुआ है, ये है यूपी, यूपी का न्यूज है, मतलब कि वही यूपी बोर्ड का ही न्यूज है यार। ब्यूरो यूपी बोर्ड ने, यूपी मतलब ब्यूरो है, यूपी बोर्ड ने 199 विद्यालयों की मान्यता खत्म करने के लिए DIOS को भेजी सूची, यानी कि 199 विद्यालयों की मान्यता को रद्द करने के लिए यूपी बोर्ड इलाहाबाद ने क्या करा है, प्रयागराज ने क्या करा है, DIOS साहब लोगों को क्या बोला है, दे दिया है, लोग पन्ना ही नए स्कूल के नाम दे रहे हैं,
इनकी मान्यता को आपको रद्द करना है। क्यों करना है? वही यार नकल वगैरह का मैटर है। फिर वहां से न्यूज क्या है, यूपी बोर्ड द्वारा 199 स्कूलों की मान्यता समाप्त किए जाने की कार्रवाई चल रही है। इन सभी विद्यालयों को 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में केंद्र बनने नहीं दिया जाएगा। और बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों के माध्यम से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इन स्कूलों की सूची भेजी है। इनमें से तमाम स्कूल ऐसे हैं जहां बोर्ड परीक्षा के दौरान गंभीर अनियमितता या सामूहिक नकल के प्रकरण सामने आए हैं। इसके साथ ही अन्य परीक्षाओं में नकल करवाने या दूसरे गंभीर आरोपों में फंसे हैं। इनमें से अधिकांश स्कूलों के मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही संयुक्त शिक्षा निदेशक से लेकर शासन स्तर तक लंबित है। अब बता दें 2024 की बोर्ड परीक्षा में से 253 स्कूल को पहले ही दीवार किया जा चुका है। यानी कि यार भारी संख्या में नकल लोग करवाते हैं। यानी कि यार बोर्ड ही इन लोगों से परेशान है, बोर्ड भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। है कि ना यार, ये सब क्या है? बच्चा 2 साल पढ़ रहा है, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा। अगर आप नकल को बढ़ावा देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, उनका फ्यूचर बेकार होगा। ये हम समझते हैं, जो बड़े हैं वो समझते हैं। बच्चा कोई भी नहीं चाहता हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़े, सब बच्चे आराम से नंबर पाना चाहते हैं। ये बच्चों की गलती नहीं है, वो उनका मतलब मानसिक सोच होता है। जब वो भी बड़ा हो जाएगा ना एक दिन, तो आपको कोसेगा जो नकल करवा रहा है कि यार मैंने मतलब यहाँ पढ़ लिया, नकल से पास हो गया, कुछ जानता नहीं हूं, तो बाहर जाके अपना जीवन बिताना उसके लिए काफी कठिन हो जाएगा। तो नकल को रोकना है, सरकार ही रोक रही है, हम भी रोकने का ही प्रयास करेंगे। और जब ऐसा समाज बन जाएगा जहां सब लोग अच्छी हो जाएंगे, नकल का विरोध करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो समाज बनेगा ना वो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। अब देखो सरकारें लगी हुई है मित्रों, काम बढ़िया ही हो रहा है, देखते हैं क्या होगा आगे। वहीं जिन 199 स्कूलों की मान्यता छीनने की कार्रवाई चल रही है उनमें गाजीपुर के 16 हैं, बलिया मऊ के 12 स्कूल, जबकि लखनऊ के 8 स्कूल शामिल हैं, प्रयागराज के 4 स्कूलों, न्यू चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल सिंधीटोला शंकरगढ़ और बचई सिंह सिंगरौल इंटर कॉलेज चंद्रसेनपुर, यूडी मेमोरियल इंटर कॉलेज अशराविक कला और पंचम लाल आश्रम इंटर कॉलेज गयासुद्दीनपुर ट्रांसपोर्ट नगर का नाम भी सूची में है। ये प्रयागराज के 4 स्कूल है, इनको भी डिबार कर दिया गया है। क्यों करा गया होगा, आप समझदार हैं। आगे लिखा हुआ है मित्रों, आगे क्या है, आगे लगता है खत्म हो गया सारा न्यूज हमारा, क्या हो गया बोलो, खत्म हो गया। और हम कहां से न्यूज को लेके आते हैं पता है ना, पेपर से नोट के लाते हैं, जानकारियां भी नोट के लाते हैं, 3-4 पेपर मिलाना पड़ता है, तो उसके बाद आपके सामने जानकारी लेके आनी पड़ती है। मेहनत किया जा रहा है आपकी संतुष्टि के लिए। और अगर मान लो नकल वाले स्कूलों में जब एग्जाम नहीं होंगे तो हर अच्छा बच्चा संतुष्ट होगा कि सब बच्चे पढ़ेंगे तभी पास होंगे, यानी कि हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, तब कॉम्पिटिशन बढ़िया बनेगा और बच्चे एक दूसरे को आगे पीछे करने के लिए पढ़ेंगे। और उस समय जो कंपटीशन होगा ना काफी मजेदार होगा। हाँ खाली कंपटीशन पढ़ाई का करना चाहिए, बाकी चीज का नहीं यार, कि हमको उनसे आगे निकलना तो 1 घंटे अधिक पढ़ना पड़ेगा। आपका लड़ाई एक से नहीं है, ध्यान देना, यूपी बोर्ड में यार कई लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, लड़ाई बहुतों से है। तो आपको अपना खुद करना है, दूसरे पर फोकस नहीं करना है, फोकस अपने पे करना है कि कितना तुम पढ़ ले रहे हो। अगर दूसरे पर फोकस करोगे तो अपनी ऊर्जा तुम उसके सोचने में लगा दे रहे हो, इसलिए ऊर्जा बचानी है, अपने आप पे लगानी है, फोकस करना है और बोर्ड का मैदान मार के लेके आना है मार्च वाले मास्टर के साथ। यार तो मैं भी तैयार हूं आपको मैदान मरवाने के लिए, और आप तैयार रहिए मैदान को मारने के लिए। तो क्या करना है, आकाश में कोहरा घना है यह भी किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, किसी एक के लिए घना हो सकता है यार, हम जैसे सूरवीरों के लिए कोई काम कठिन नहीं है, लड़ेंगे और जीत के लेके आएंगे। और फिर से बोलते हैं मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में ऐसे ही ऊर्जावान वीडियो के साथ और बोर्ड की जानकारी के साथ। और हाँ बता दूं सारे विषय के जो भी आपके अनसॉल्व पेपर हैं उनके सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं, आप वहां से वीडियो को देख करके आप आगे जाने को तैयार रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।